ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 17 फरवरी है और 17 फरवरी के करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से प्राप्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष मित्रा, ये होगा इसका आंसर, ये होगा। देवाशीष मित्रा को वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मित्रा जो ICAI परिषद में अपने तीसरे कार्यकाल की सेवा कर रहे हैं, 34 से अधिक वर्षों से लेखांकन पेशे में हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ वे कास्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। ICAI के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है देवाशीष मित्रा तथा सेक्रेटरी है जय कुमार बत्रा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV-C52, बी होगा इसका आंसर, इस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 को दो छोटे उपग्रह को PSLV-C52 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। PSLV की 54वीं उड़ान है। PSLV-C52 44.4 मीटर लंबा रॉकेट है जिसमें EOS-04 और दो छोटे उपग्रह के साथ अंतरिक्ष की यात्रा 4 स्टेज में पूरी की है। पृथ्वी परीक्षण उपग्रह EOS के बारे में, EOS-4 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, रिसेट है, जिससे कृषि वानिकी और वृक्षारोपण, बाढ़ मानचित्रण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान जैसे अनुपयोगों के लिए सभी मौसम की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह का वजन 1710 किलोग्राम है लगभग। यह 2280 वाट की पावर जनरेट कर सकता है। इसकी मिशन लाइफ 10 साल की है। अब इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। फाउंडर इसके है विक्रम साराभाई थे और प्रेसिडेंट एस सोमनाथ है और फर्स्ट चेयरमैन जो है विक्रम साराभाई थे। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है वीरेंद्र कुमार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी को मनाया गया है, ये होगा इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी को मनाया जा रहा है। मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों, उसके दोस्तों और परिवार के सामने आने वाली समस्या को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा संयुक्त रूप से इस दिन का आयोजन किया जाता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर के रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है राजेश टोपे, जो महाराष्ट्र के है स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे। इन्होंने ही कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। वह कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में आधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल करने की वादा किया है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी, ये होगा इसका आंसर। सातवा क्वेश्चन है, 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 17वां, डी होगा इसका आंसर। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो यह 14 से 18 फरवरी 2022 तक किया जाएगा, ये होगा इसका आंसर। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 26.275 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राज्य पुलिस बल आधुनिकरण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो यह 2025 से 26 इतने तक बढ़ा दिया है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्या है योजना का उद्देश्य? योजना का उद्देश्य राज्य पुलिस बल को पर्याप्त रूप से लैस करके और उसे प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करके आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर राज्य सरकार की निर्भरता को धीरे धीरे कम करना है। योजना का फोकस क्या है? इस योजना का फोकस सुरक्षित पुलिस स्टेशन, प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस आवास, पुलिस स्टेशन को आवश्यक गतिशीलता, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण और फोरेंसिक सेटअप आदि से लैस करके आधुनिक स्तर के पुलिस बुनियादी ढांचे को निर्माण करना है। अब दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसे नितिन गडकरी ने किया है, तो बी होगा इसका आंसर। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया गया है। रेल सह सड़क पुल परियोजना की लागत 696 करोड़ रुपये है। नया पुल यात्रा के समय को कम करेगा, पर्यटन कृषि को बढ़ावा देगा और साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करेगा। पुल के लाभ, बिहार के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक मुंगेर शहर अपने समृद्ध प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक, शिक्षा और वाणिज्य के लिए जाना जाता है। रेल सह सड़क पुल बनने में मुंगेर से खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी, साथ ही मुंगेर से बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। अब MCQ रिवीजन देख लेते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसे नाबार्ड ने शुरू किया है, नेशनल बैंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, यह किया नाबार्ड ने किया है। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके
लेखक है राजीव कुमार भाटिया, तो सी होगा इसका आंसर। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाया गया है, किस तिथि को मनाया गया है, तो यह 13 फरवरी को मनाया गया है, तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद है किस स्पेस एजेंसी ने INSAT-4V उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है, तो इसे इसरो ने निष्क्रिय कर दिया है, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। उसके बाद है विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है, तो ए होगा इसका आंसर। उसके बाद छठा क्वेश्चन है एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी, डी होगा इसके आंसर। उसके बाद है भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है, तो बी होगा इसका आंसर। उसके बाद है आठवां वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत चौथे स्थान पर रहा है, तो बी होगा इसका आंसर। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI की नए अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसके नए अध्यक्ष बनी है गीता मित्तल, ए होगा इसका आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति में बदलाव किया है, तो यह सेबी ने किया है, तो ए होगा इसका आंसर। थैंक यू।